मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये नेचर जो होती है, कुदरत, इसके ऊपर किसका कानून लागू होता होगा? ये जो फल सब्जियां आती हैं, इनके नाम कौन रखता होगा? आलू को आलू कौन बोलता होगा? कौन डिसाइड करता होगा कि केला जो है खुले में नहीं आएगा, ऐसे कवर पहन के आएगा? कौन डिसाइड करता है कि अंगूर नंगा आएगा लेकिन ग्रुप में आएगा? इंडिया अंगूर छोटा आता ना मेरे ख्याल से, इसलिए ग्रुप में आते, कोई थप्पड़ ना मार जाए, ऐसे मुझे ऐसे लगता है। अच्छा, कुछ फल जो होते हैं नाम से ही महंगे होते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी, ऐसा लगता है कहीं बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई है स्ट्रॉबेरी। आप देखना कभी दुकानों में फल पड़े रहते हैं, जो सस्ते फल होते हैं वो बाहर रेडी पे आए हुए पड़े रहते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं। स्ट्रॉबेरी अलग से एक डिब्बे में पड़ी रहती है यूं करके। एक्चुअली जितना महंगा फल होता है ना, उसको उतनी इज्जत के साथ रखते हैं। स्ट्रॉबेरी यूं करके बैठी रहती है, लगी भी शीशे में होती है, तो दूसरी सब्जियों को चिढ़ा रही होती। अदरक देखा कभी आपने? अदरक रेडी पे ऐसे पड़ा रहता, दारू पी के पड़ा हुआ ऐसे, और सब्जी वाला पानी मारता और ऐसे आंख खोल के देता, हट, गाली दे के फिर सो जाता है हर एक सब्जी का। लेकिन नाम से बड़ा फर्क पड़ता है, जैसे धनिया है, धनिया नाम से लगता है कि मुफ्त में आता होगा, और अगर कोई पैसे दे के खरीदता भी तो घर जाके बनाता इसकी चटनी होगा, और बेचारे का क्या बनेगा उसका? धनिया का मटर पनीर तो बन नहीं सकता। एक मिर्ची होती है, आप जितनी भी सस्ती ले आओ, ज्यादा खा लो तो बड़ी महंगी पड़ती है। अच्छा, कुछ लोग फालतू में नाम का ही खा रहे हैं, जैसे पाइन एप्पल, उसने फोकट में एप्पल लगा रखा है, हालांकि उसमें एप्पल जैसी चीज कोई है नहीं, उल्टा कभी कभी उसको फल वाले को कभी कभी खारिश होती है ना, खुजली होती है, तो उठा के वही रगड़ देते। अपने नाम से सबसे ज्यादा दुखी है नाशपति। वो कहती है जब ऑलरेडी पति था तो नाश लगाने क्या जरूरत थी, तो नाश तो हो ही गया। अच्छा, नींबू का मुझे समझ नहीं आया, नींबू दुनिया में आया क्यों है? उसका बेचारे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उसको कभी निचोड़ देते हैं, कभी दीवार पर टांग देते हैं, कभी गाड़ी के बाहर टांग देते हैं, और कभी कभी गन्ने की मशीन में गन्ने के जूस निकाल रहे होते हैं, जब जूस पूरा निकल जाता ना तो नींबू को बिना पूछे ऊपर रख देते हैं, वो पूछता है मेरे को किस लिए, उतनी देर में पीछे, मतलब बेचारे के साथ बड़ा बुरा होता है। अरे सब्जियां मैं आपस में बात करती होंगी, वैसे भिंडी बोलती होगी कि सुनो ये टमाटर इतना लाल कैसे है? टिंडे जैसा आदमी हमेशा सलाह जरूर देता, बिकता तो है नहीं वो, और बैठे मेरे को ऐसा लगता है टिंडा पक्का सेब खाता होगा। ये हमारे दास दादा है ना, एक दिन पत्ता गोभी ले आए, उसको छीलते रहे छीलते रहे, मैं क्या कर रहे हो? कहते पत्ते पत्ते निकले जा रहे, गोभी निकल रही। अच्छा, मूली की पता नहीं आदमी से क्या दुश्मनी है, पहले तो पेट खराब करती है फिर माहौल खराब करती है। इन सब सब्जियों का अलग अलग एटीट्यूड एक्चुअली। अच्छा, कुछ लोग ना सीजन में फल नहीं खाते, क्योंकि सीजनेबल जो फल होता है महंगा होता है, वो वेट करते हैं वो कि जब सस्ता हो जाए तब लेंगे, तो कभी कभी तो सस्ता होने पे भी नहीं खाते, फिर जो सेब मंडी में पड़े रहते हैं ना वो खुद आवाज़ लगाते हैं, अबे अब तो खा ले, अब तो सस्ता हो गया, मैं क्या बीमार पड़ूंगा तभी खाएगा। जब औरतें सब्जी खरीदती हैं ना, कभी ध्यान से देखना, मतलब फटाफट उठा लेती हैं, भाई ये वाला लगाना, तो खुद चुन चुन के डालती हैं, ऐसे में कुछ सब्जियां नीचे गिरा देती हैं वो फिर टिंडा फिर बेचारा आता है, वो बिकता है नहीं उधर पड़ा होता है, नीचे गिरता है फिर स्कूटर के नीचे आ जाता है। एक आध आलू गिर गया, आलू जो होता है वो बड़ा फुर्तीला होता है, जैसे सड़क पे गिरता है ना उसको पता नहीं किस बात की जल्दी, फटाफट सड़क पार कर लेता है वो फिर किसी गाय के मुंह में आता है। जब ऐसे रेडी वाला लेके जाता है ना सब्जियां, तो स्पीड ब्रेकर आती है ना, छोटी छोटी सब्जियां एक दूसरे की टांगे पकड़ लेती हैं, उनको पता हम गिर ना जाएं। उस समय सिर्फ कद्दू होता है जो बड़ा कॉन्फिडेंट होता है, कद्दू होता है भी मोटा सा ना, सर पे वो डुंडी लगी होती है, नेटवर्क पूरा, उसको पता है जब तक रेहड़ी पलटेगी नहीं, जब तक थेड़ला पलटेगा नहीं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो कद्दू कॉन्फिडेंट सब्जी है स्पीड ब्रेकर के मामले में, ये मेरी रिसर्च कहती है। करेला और लौकी, ये सब्जियां आई इसलिए हैं कि वाइफ में और हस्बैंड में झगड़ा करा सके। जिस दिन करेला बना हो, आदमी का मुंह करेले जैसा होता है, अगर वो सब्जी खाने को मना कर दे, बीवी का मुंह लौकी जैसा हो जाता है, तो काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं हमारी। अच्छा, ऐसे बहुत बार होता है हमारे घरों में, जब हम लोग दाल सब्जी बनाते हैं कभी हस्बैंड को पसंद नहीं आती, जब हस्बैंड बनाते हैं तो बीवी को पसंद नहीं आती, ऐसे मेरे कोई दोस्त हैं जिनको ऐसा लगता है कि हमारे घरों में ऐसी प्रॉब्लम होती हैं। जी, आप दोनों ने हाथ खड़ा क्योंकि साथ में आया। हाँ, मेरे हस्बैंड है। अच्छा अच्छा, कैसे हैं हस्बैंड जी? इनको ऑफिस में मैं टिफिन देती हूँ। अच्छा। तो पहले स्टार्टिंग में तो 5 देती थी, स्टार्टिंग में जब जॉब शुरू हुआ था तो उसमें से 1 लौट के आ जाती थी, फिर रोटी। अच्छा, रोटी। हाँ, फिर बाद में 4 रोटी रख दी थी, उसमें से भी 1 लौट के आ जाती थी, फिर मैंने 3 रखना शुरू किया तो 3 में भी 1 लौट के आ जाती थी, फिर गुस्से में आके मैंने बंद ही कर दिया इनको टिफिन देना अभी धीरे। अच्छा, ये हो सकता है ये वैसे भी 2 रोटियां खाते हो, पता करो जो 5 रोटियां पहले थी वो कौन कौन खाता रहा। क्या पता
तो आपको क्या पसंद नहीं आता? अभी चपातियाँ कम क्यों हो रही हैं आपकी? सर एक्चुअली हमेशा डेली कभी गोभी की सब्जी, कभी बैंगन की सब्जी, कभी कद्दू, कभी लौकी, सारी यही सब आइटम डेली खाने में रहते हैं, तो इसीलिए तो यही होती सब्जियाँ। और क्या आपको सिद्धू जी की सब्जी बना दे वो क्या मतलब सब्जियाँ तो यही होती हैं, थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए सर कभी कभी। डिफरेंट कैसे मतलब? कभी नॉनवेज वगैरह भी थोड़ा बहुत होना चाहिए, मुझे नॉनवेज पसंद है तो थोड़ा बहुत बीच बीच में होना चाहिए। सर हमारे शो में नॉनवेज की बात करें, इट्स अ फैमिली शो, तो आप नॉनवेज के शौकीन हैं। सर कभी कभी नॉनवेज भी लाके देता हूँ, वो भी बनाती है तो ऐसा लगता है कि लौकी जैसा टेस्ट आता है उसमें से भी। तो इनका आप शिकायत कर रहे हैं कि उनको खाना नहीं बनाना आता? नहीं वैसा नहीं है बट तो फिर और क्या है? गोभी आपको पसंद नहीं आती, मटर आपको पसंद नहीं आते, नॉनवेज आपको नहीं, क्या क्या चाहते हैं आप? सर मुझे तो डाउट आता है कभी कभी, ये बाहर जाके किसी के साथ खाते हैं इसीलिए। बाहर कैसी बात कर रही हैं? बिल्कुल सही बात कर रही हैं आप, हो सकता है। इनका ध्यान रखो जरा थोड़ा। सर ऐसा नहीं है, बाहर खाता हूँ मैं खाना, बट रोटियाँ रहती तो थोड़ा बैलेंस करना पड़ता है ना, थोड़ा बाहर का थोड़ा, इसीलिए थोड़ा बहुत बच जाता है। सर रोटी के मामले में ही है ना मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, सर रोटी के मामले में। अच्छा अच्छा फिर तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, खाना बाहर का खा तो चलेगा। चलिए कितने साल हो गए आपकी शादी को? 7 साल हो गए सर। फिर कहाँ आपको गोभी अच्छी लगेगी? ये तो पहला साल ही होता है भाई साहब, जब पुदीने की चटनी भी नॉनवेज से कम नहीं लगती आदमी को। पर चलिए शुक्रिया शो में आने के लिए, धन्यवाद। ओ अच्छा इतनी बढ़िया चाय भी, क्या चाय होती है? मैं सच्ची में कभी कभी सोचता रहता हूँ भाई साहब चाय पियेंगे मलाई मार के? पिला दो इधर, फ्री नहीं मिल रही पियेंगे। और ये गंदी चाय पीने से 4 लोग बीमार, खबरें पड़ी जा रही हैं। गलत अफवाह फैलाने वाले को पुलिस ने धरा। सोनी टीवी ने चलते शो से एक आर्टिस्ट को निकाला। दूसरे चैनल से फोन आने लगे। दूसरे चैनल से फोन आने लगे कि यहां मत आना, उधर के उधर ही निकल जाना। तेरी बात सुनो कपिल शर्मा। अरे बैठ जा, तेरी दुकान पे कस्टमर तो कोई आता नहीं, मुझे बुला लिया कर, थोड़ी भरी भरी लगती दुकान। अच्छा नहीं कपिल शर्मा, शो में जो मेरी पोजीशन है, जो मेरी जगह है, वो कोई नहीं ले सकता। नहीं तेरी जगह तो है, पोजीशन तेरी क्या है मतलब? गोभी ले, टमाटर ले, मूली ले, ले ले इधर देखो कौन ले ले। ए, मेरी बात सुनो, एक तो तेरी ना ये ड्रेसिंग सेंस इतनी खराब है, तो सब्जी वाला बन के आया है, कोट पैंट पहन के क्यों आया तू? ऊपर से टाई लगाई हुई है, ऐसा लगता है गर्मी से जुबान बाहर आई हुई है। एक आदमी उधर चाय की टपरी लगा के बैठा है, तू इधर सब्जी का ठेला लेके आएगा, तुम लोग कर क्या रहे हो? बात सुनो, इस शो का सब्जी मंडी है ये। और मेरी बात सुनो कपिल शर्मा, आप बड़े आदमी हो, आप इनके मुंह मत लगो। मैं बात इधर, मेरी बात सुनो ठाकुर, तुम इतने बड़े कॉमेडियन होकर ये सब्जी बेचते अच्छे लगते हो? एक मिनट, ये भी मानता है कि मैं कॉमेडियन हूँ? ये भी का क्या मतलब, यही तो मानता है। ये दोनों ना एक दूसरे को कॉमेडियन मान के बैठे हुए हैं कि तू आना मैं तेरी बात पे हंसूंगा, मैं आऊंगा मैं तेरी बात पे हंसूंगा, और हम दोनों नहीं होंगे तो हम एक दूसरे पे हंसेंगे। कर कर रहे हो ये लौकी को, ये लेमिनेशन करा के कौन लेके आया अभी? क्या है तेरी सब्जी? ये देखो पीले रंग की शिमला मिर्च तो होती कोई नहीं, सब्जियां भी खराब, काम खराब है तेरा। यार मेरी बात सुनो, इतने बड़े कॉमेडियन होकर तुम सब्जी बेचते अच्छे लगे, सच बताना यार। चंदू साहब आप चाय बेचने वाले होकर कॉमेडी कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं? मैं चाय वाला थोड़ी हूँ। हाँ मैं तो कॉमेडियन हूँ जो इधर चाय बेच रहा हूँ। कॉमेडियन चाय, कॉमेडियन चाय कैसे बेच सकता है? कपिल शर्मा तुमने मुझे क्या बनाया, क्या हुआ है पागल? अब ले बैंगन ले। एक मिनट, इतने सारे टमाटर तेरे पास, तेरा शो था आज? अच्छा मतलब तुझे इतने टमाटर नजर आ गए, साथ में हरी गोभी पड़ी वो नजर नहीं आई? ये देख लो गोभी बोल रहा है इसको। गोभी है? ओए ये गोभी नहीं होती, ओए ये महंगी वाली गोभी होती है। ओ महंगी, धूप में बैठ के मटर छीलने वालों, तुम लोगों को क्या पता ये ब्रोकली होती है? और तुम्हें शर्म नहीं आती इधर आके बीच में खराब कर रहे हो, मेरी सब्जियां बेच रहे हो? यार कमाल कर रहे, कपिल शर्मा शो है, यहाँ पर आके तो शाहरुख खान सब्जी बेच के गए थे, आलिया भट्ट सब्जी बेच के गई थी, तो मैं कौन से खेत की मूली हूँ? और एक बात बताओ मेरे को,
ये मतलब क्या स्पेशल चाय बेचता है? चाय तो कोई भी बेच सकता है। ये भी कोई भी है, ये कौन सा स्टार है कोई? मैं ऐसे मेरे साथ बात मत करो, तुम्हें पता है इस चैनल का मैं एक विश्वसनीय कलाकार हूँ। और तुम्हें पता है जो जो सोनी टीवी पे जो लोगो आता ना हमारे शो पे, वो राइट साइड पे आता है चंदन के मुंह पर, चंदन 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 चंदन। वो लोगो इसलिए आता है क्योंकि शो आता है 9 बजे, 9 से 10:30 लोगों का डिनर का टाइम होता है, तो ऐसे मुंह अच्छे नहीं लगते, तो उधर वो लोगो डाल देते हैं क्योंकि लोगों ने खुद कहा कि इधर लोगो डालो। बस लोगो लोगो लोगो, तुम लोगो की वजह से ना मुझे सब्जी बेचनी पड़ रही। कोई बात नहीं, अगले महीने मेरी भी फिल्म आ रही है पंजाबी। yeah? तो फिर हमारी तो फिरंगी आ ही रही है। क्या कहा आपने? मेरी फिल्म की बातें छोड़ो, अपनी करो, तुम्हारे से होगी नहीं क्योंकि वो 400-500 करोड़ की बात, कहाँ तुम 15-15 रुपए की बातें कर रहे हो। और वैसे भी ये जो तुम कह रहे हो ना, भी सुना होगा कहा होगा, ऐसे नहीं बात बननी, करके बताओ जैसे हम करते हैं, चाय बेच के दिखा अगर है हिम्मत तो। ये कौन सी बात है, सबसे आसान काम है, इधर से आना, आते करना। ओए होए 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 पाजी, हो गया पता? इसने मेरे जैसा किया? हाँ तो मैं तो पहले कह रहा हूं मैं इससे अच्छा करता हूं। देख लो अच्छा करने वाले घर बैठे हुए हैं। तो अपने घर बैठे हुए इसकी तरह कपिल के घर के बाहर तो नहीं बैठे हुए? पर्सनल हो गए, पर्सनल। वो नहीं तुझे पसंद करता, वो नहीं तुझे शो में रखता, ये मेरी तरफ क्यों नाराजगी क्यों है तुम्हारी? मैं तेरे से कोई नाराजगी नहीं, तेरे से डायरेक्ट जलन है। फिर ऐसा क्या किया तूने जो तुझे शो में रखा हुआ है? अच्छी एक्टिंग। एक्टर तो ये मतलब स्कूल टाइम का फ्रेंड है, ये कॉलेज टाइम का। He knows me very well. एक्टर तो ये स्कूल से बड़ा अच्छा था, मास्टर उसको बुलाता था ना, कल आया क्यों नहीं, वो तो भूल ही जाता था, ऐसे एक्सप्रेशन देता था, पैसे ले लेता था। जा यार। तो मैंने स्कूल की फीस भरनी होती थी। कौन सी फीस? 15 तारीख को एडमिशन मिलती थी, 16 को इसको स्कूल से निकाल देते थे। कौन सी फीस? नहीं नहीं ये अपनी गर्लफ्रेंड की फीस भरता था, फीस ये भरता रहा, मांग कोई और भर गया। अच्छा बातों बातों में भूल गए ठाकुर, चल जन निकल, हमें अपना काम करने दे यार। निकल मतलब? निकल मत, जैसे आया वैसे निकल, इधर को निकल। वाह शर्मा जी आप वो दिन भूल ही गए। कौन सा दिन? जब हम तीनों के पास काम नहीं होता था, कसम से बता रहा हूँ, मेरी दुकान पे बैठ के इनको मैं मूंगफली खिलाता था। अगर तूने मेरे बादाम खिलाए होते तो ये शो में लेता हूँ पक्का। अच्छा मुझे अगर पता होता ना कि हमारे कपिल ने दा कपिल शर्मा बन जाना, मैं सच्ची पिताजी को गिरवी रख के तुझे बादाम खिला देता। लेकिन चलो मैंने तो मूंगफली खिलाई, इसको तूने शो में रखा, इसने तुझे कुछ नहीं खिलाया आज तक। खिलाया हो या ना खिलाया हो, तुम ना मुझसे कुछ गालियां वाली खा लेना जो मैंने फ्रेंच में सीखी है। आस्त्रा बस स्टैंड दाम बिस्तरा। तू सोच ले, तू काम कर रहा है तो तूने एक लैंग्वेज में गालियां सीखी, मैं 6 महीने से घर में बैठा हूं, मैंने किस किस लैंग्वेज में गालियां सीखी होंगी। और तुम लोगों ने आपस में लड़ना तो मैं सो जाऊं थोड़ी देर। नहीं नहीं मैं बताता हूं तेरे को, सबसे पहले दुनिया मैंने ही देखी है और इन तीनों में सबसे पहले गर्लफ्रेंड मेरी होती थी पता। और सही बात है, इसकी तो गर्लफ्रेंड की तरफ वाकई भी कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था पाजी, इतना प्यार तो नहीं करता था। मेरे प्यार है उसकी शक्ल ऐसी ऐसी बिल्कुल नहीं थी यार, वो तो ऐसी थी। इसकी गर्लफ्रेंड बड़ी सुंदर थी, तमीज से, वो नेशनल लेवल की स्विमर थी, वो स्विमर स्विमर कुछ नहीं थी। पंजाब में हमारे ब्यास दरिया है, लोग बड़ा मानते हैं, गाड़ी निकलती ना कोई तो लोग ऐसे ऐसे ठिप्पा फेंकते हैं, मतलब एक सिक्का फेंकते हैं ना, तो वो ऐसे दरिया किनारे बैठे थे, जैसे ऊपर से सिक्का आया सिक्के से पहले पहुंचती थी। अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताओ। मेरी है ही नहीं। और है नहीं क्या, बनी नहीं आपकी? नहीं तो बाजी 1:30 बजे जाकर लड़की को कौन कहता है अपनी शक्ल देख ऐसे लगता है तोती मेकअप करके बैठी हुई है। अच्छा बड़े इसके अजीब शौक है, इसके पापा ही ने एक कुत्ता पाला, वो कुत्ता नाराज हो गया जैसे उसे अकल आई, उसने इसको देखा, कहता मेरे गले में पटा क्यों और इसका खुला क्यों। फिर ना इसके पापा ने समझाया कुत्ते को, कहते बेटा पटा पालतू के गले में डाला जाता, आवारा के नहीं। और पाजी जिसके दोस्त आवारा हो वो कुत्ते आवारा ही निकलते हैं फिर।
एक मिनट चलो सारी बात ठीक, तू मेरे सोफे पे कैसे बैठ गया? ये भी अच्छा है, यहां भी सारे कहते आगे। आज हमारे बीच में है राजीव ठाकुर, जोरदार तालियां। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपकी कोई भी फिल्म क्यों नहीं आ रही? नहीं नहीं तो हम मजाक कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, वी आर कॉलेज फ्रेंड। कोई स्क्रिप्ट शो नहीं, कभी कभी अपना मजा करते हैं। हाँ क्या है? ये ऐसे बकवास कर रहा कि मेरे चीजें मांग के लाते थे तो घर में, मेरी शादी थी तो मैं ना बड़ा खिलाफ हूँ दारू वारू के। महंगी बड़ी ना। अच्छा पता क्यों ये हंस क्यों रहे हैं? ओके ओके। और वैसे सच बात है कपिल शर्मा, मैं आई एम बिग फैन ऑफ यू अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग। ऐसा बोलता रहना। और ये अच्छा, हाँ जी मैं कर लूं। हाँ क्या था? मैंने बियर पी थी क्या? मेरी शादी में पहली बार इसने बियर पी थी। हाँ तो मैंने गुस्से में पी थी। मेरे को इस बात का गुस्सा था, इस आदमी को कोई धक्का नहीं देता, लड़की किसने दे दी है? एक बात सच्ची बताऊं, हम तीनों में सबसे पहले टीवी पे मैं आया था। हाँ दो लड़के और भी तो आए थे उसमें, वो तीनों के मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ था, नीचे ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, चाकू दिखा के भिखारी से छीने 50 रुपए। नहीं नहीं पर ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, हमारे दोस्त है राजीव ठाकुर, इनके लिए जोरदार तालियां। चलो फटाफट हटाओ, मेहमान आ रहे हैं। चलो 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 तुम भी चलो। मैं किधर? चलो लेके जाओ, मैं अभी ब्रोकली सूप पी के आता हूँ। चलो 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 चलो।